हरे कृष्णा अध्याय 6 श्लोक नंबर 11-12। सुचौदेशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम असनाम आत्मनः नति उच्चरितम नति नीचम चैलज्जिना कुसोत्तरम तत्रैकाग्राम मनः कृत्वा यथा चितेन्द्रिया क्रियः उपाविश्य सने युञ्चत योगम आत्मा विशुद्धये। इसका अर्थ, योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगशाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योग अभ्यास करे। इसका तात्पर्य, पवित्र स्थान तीर्थ स्थान का सूचक है। भारत में योगी तथा भक्त अपना घर त्याग कर प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश तथा हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों में वास करते हैं और एकांत स्थान में योगाभ्यास करते हैं, जहां यमुना तथा गंगा जैसी नदियां प्रवाहित होती हैं। किंतु प्रायः ऐसा करना सबों के लिए विशेषतया पाश्चात्यों के लिए संभव नहीं है। बड़े बड़े शहरों की तथाकथित योग समितियां भले ही धन कमा ले, किंतु वे योग के वास्तविक अभ्यास के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होती है। जिसका मन विचलित है और जो आत्मसंयमी नहीं है, वह ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। अतः बृहन नारदीय पुराण में कहा गया है कि कलयुग माने वर्तमान युग में, जबकि लोग अल्प जीवी आत्म साक्षात्कार में मंद तथा चिंताओं से व्यग्र रहते हैं, भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। हरे नाम हरे नाम हरे नामैव केवलम, कलौ नास्तेव 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 कथिर अन्यता। इसका मतलब, कलह और दंभ के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। हरे कृष्णा। तो ये था तात्पर्य दोस्तों, जो श्रीला प्रभुपाद ने दिया है इस पे। इस श्लोक में भगवान ने क्या बताया है, जो पोजीशन है, बैठने की पोजीशन है, प्रॉपर सीटिंग कैसी होनी चाहिए जिससे मन स्थिर हो जाएगा, अष्टांग योग के द्वारा ये भगवान रिवील कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं। तो इसमें इन दो श्लोकों में श्रीला प्रभुपाद हमें तात्पर्य में बताते हैं कि जो अभी जो योग अभ्यास बड़े बड़े शहरों में योग के नाम पे अलग अलग सोसाइटीज फॉर्म करते हैं ये सिखाने के लिए, वो ठीक नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से भगवान हमें बता रहे हैं एकांत स्थान, बिछौना कैसे लगाना है, मृगशाला का होना चाहिए, ऊंची भी नहीं ज़्यादा सीट होनी चाहिए और आसन ज़्यादा नीची भी नहीं होनी चाहिए, पवित्र स्थान होना चाहिए, स्थित होना चाहिए। पवित्र स्थान तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद ने बताया है तीर्थ स्थान का सूचक है, जो भगवान ने पवित्र स्थान कहा है ना। क्या बोला है भगवान ने श्लोक में, सुचौ देशे। ये सुचौ देशे का मतलब है पवित्र भूमि, पवित्र भूमि पे करना है। और जब हम तो देख रहे हैं आजकल कोई भी भूमि तो क्या, बहुत सारी चीज़ें पवित्र नहीं है। ये सूचो सोच जिसको क्लीनलीनेस कहते हैं, सैंटिफाइड कहते हैं, पवित्र कहते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इसी से जो मन की शक्ति है, हर चीज़ की जो ये है नियंत्रण है, ये इसी से आता है। एक सिद्धांत हमेशा प्रभुपाद श्रीला प्रभुपाद हमें बताते हैं, प्यूरिटी इज़ द फोर्स। ये पवित्रता ही है जो ड्राइव करती है हर चीज़ को,
शौच ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए हमारे पूर्वज, हमारे पूर्व काल के जो है लोग थे, वो हमेशा हमें बोलते थे खाना खाने से पहले हाथ मुंह धोना चाहिए, कहीं बाहर से आने के बाद हाथ पैर धोना चाहिए। ये सब ये है, शौच बोलते हैं इसको, क्लीनलीनेस बोलते हैं, जो भगवान ने आगे भी इसका वर्णन किया है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम लोगों को नज़र रखना चाहिए, इस पे ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इतना तक मैंने प्रवचनों में सुना है कि जो नेगेटिव फोर्सेस पकड़ती है वो इसी के वजह से पकड़ती है, जो क्लीन नहीं है उनको ही पकड़ती है, जो तमोगुणी इसको माना जाता है। भागवतम में भी इसके बारे में बहुत वर्णन किया है, सूचो शौच रहने का, बहुत क्लीनलीनेस रखने का। तो यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद कारण भी बताते हैं इसका, कि क्यों ये नहीं कर सकते योग अभ्यास, अभी का जो कर रहे हैं वो योग अभ्यास नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आत्मसंयमी नहीं हैं। आत्मसंयमी का मतलब हम लोग सेल्फ कंट्रोल्ड नहीं हैं, हमारे किसी भी चीज़ पे आप देखिए कंट्रोल नहीं है, हम नियंत्रण अपने आप पर नहीं रख सकते, चाहे वो बातचीत में हो, किसी से व्यवहार करने में हो, या किसी भी स्थिति में आप देख लीजिए। तो दूसरी चीज़ प्रभुपाद बताते हैं, मन विचलित रहता है हमेशा। कलयुग होने के वजह से, कलह युग जिसको ये बताते हैं, जो वर्तमान युग में हम रह रहे हैं जीवात्माएं, ये इसको कलह युग कहते हैं, जिस वजह से इसका सबसे मेन कारण क्या है, डिस्टर्बेंस इन माइंड, मन का विचलित रहना हमेशा। तो वो मेडिटेशन कैसे करेगा, ध्यान में कैसे बैठेगा, एकांत छोड़िए, योगाभ्यास में लोग मेडिटेशन करवाने के लिए कहते हैं, कहाँ मेडिटेशन करते हैं, सिर्फ एक चीज़ पे वो मेडिटेट करने के लिए कहते हैं जो कुछ मतलब ही नहीं है उस पे। तो यहाँ पे ब्रह्म नारदीय पुराण से प्रभुपाद हमको प्रमाण देते हैं, अपने आप से कोई कुछ बोल नहीं रहा है, शास्त्रों का प्रमाण दिया जा रहा है, गुरु महाराज गुरु आचार्य गण से हमको मिल रही है, कि चिंताग्रस्त हम रहते हैं हमेशा, आत्म साक्षात्कार के बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं है, अल्पजीवी है हम कलयुग के। तो इसमें भगवत प्राप्ति का श्रेष्ठ माध्यम क्या है, पवित्र भगवान नाम का कीर्तन करना, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, सिर्फ हरि का नाम ही जप करना है कलयुग में, यही सबसे बड़ा हाईएस्ट टॉप योगा है, योग अभ्यास है, और इसके सिवा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यता, गति हमारी इसके बिना और कोई नहीं है कलयुग के लिए। इसीलिए ये ईजीएस्ट सिंपलेस्ट जो मेथड हमको दिया है भगवान ने शास्त्रों से, ब्रह्म नारदीय पुराण में बताया है इसको, कली संतरण उपनिषद में बताया है, ऐसे बहुत सारे उपनिषद पुराण है जहाँ पे इसको बताया है, स्वयं भागवतम में भी इसका वर्णन है, चैतन्य चरितामृता में भी इसके बारे में दिया गया है। तो ये जोर इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि इसी से, हरि नाम से ही हमारा तुरंत उद्धार हो जाएगा। तो बिना कुछ देर किए हमें इसमें हरि नाम में जप करने में अग्रसर हो जाना चाहिए, कम से कम शुरुआती दिनों में एक माला, तो एक माला कम से कम 108 मणियों की होती है, और माला हिंदू धर्म में हर किसी के घर में रहती है, आराम से मिल जाती है। तो हम बैठ के आराम से कहीं पे भी जप कर सकते हैं इसको, ना कोई आसन लगाने की ज़रूरत है, ना कोई स्थिति देखने की ज़रूरत है, नहीं काल पहचानने की ज़रूरत है, देश देखने की ज़रूरत है, इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, ये महामंत्र है, हम इसे बैठ कर कहीं पे भी आराम से जप कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोस्तों, आज श्रीला वृंदावन दास ठाकुर इनका तिरोभाव दिवस है, मतलब आज ही के दिन वो डिसअपियर हो गए थे। अब आप पूछोगे कि ये कौन थे, वृंदावन श्रीला वृंदावन दास ठाकुर जो थे, इन्होंने श्री चैतन्य भागवत का रचना की थी, जिसको चैतन्य मंगला भी कहते हैं।
बोलते हैं कि इसको पढ़ने से हमारे जिंदगी में जो अमंगल है वो दूर हो जाती है, इतना पावर है इसमें। ये कौन कहता है? ये कवि कर्णपुर कहते हैं गौर गणोदेश में बताते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु, जिनके बारे में हम लोग कई बार सुन चुके हैं, जो स्वयं कृष्ण हैं, तो चैतन्य चरितामृता में एक जगह पे कृष्णराज कविराज गोस्वामी महाराज हमको बताते हैं कि राधा कृष्ण एक ही थे, मतलब कृष्ण एक ही हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों हमारे लिए अलग हो गए मेल और फीमेल फॉर्म में। वापस जब हमको कृष्ण प्रेम देना था भक्तों को, मूल फल देना था भक्ति का, तो वापस दोनों एक हो गए। कौन हो गए? चैतन्य महाप्रभु हो गए, जिसको चन्ना अवतार कहते हैं, हिडन अवतार कहते हैं कलयुग का, जो 500 साल पहले आए थे। तो राधा भाव लेके कृष्ण आए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो उनका जो प्रमाण है वो चार प्रामाणिक जो ग्रंथ है उसमें पता चलता है। एक तो चाहिए ही श्री चैतन्य भागवत से, जो श्रीला वृंदावन दास ठाकुर इन्होंने लिखा हुआ है, और दूसरा जो है चैतन्य चरितामृता से, जो श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज ने लिखा है, और तीसरा जो है चैतन्य, वो भी श्री चैतन्य मंगला करके कहते हैं उसको, वो लिखा है लोचन दास ठाकुर महाराज ने, और चौथा जो है वो है चैतन्य अमृत भावना, उसको लिखा है मुरारी गुप्ता ने। तो ये चार जो प्रामाणिक ग्रंथ है, इससे चैतन्य महाप्रभु का प्रमाण मिलता है उसमें से, कि वही स्वयं भगवान है, और उनके सारे लीलाएं, जो हिडन लीलाएं हैं, जो लोगों के सामने नहीं आई हैं, वो उसमें मिलता है। तो ये सब जो चीज़ है, इन आचार्यस ने इन्हें ढूंढ निकाला किसके लिए? हमारे लिए, ताकि हम उसका आस्वादन करें इन कॉन्फिडेंशियल से, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज का, और हम उस भगवान के प्रेम का, कृष्ण प्रेम का आस्वादन कर सकें। जैसे भगवद गीता सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है, पूरे शास्त्रों का निचोड़ है, कहते हैं ये भगवान की वाणी है, भगवान कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये भगवद गीता है। और श्रीमद् भागवतम जो है ये भगवान के बारे में है, मतलब भगवान करते हैं, क्या करते हैं उसके बारे में है। और चैतन्य चरितामृता जो है वो भगवान क्या सोचते हैं इसके बारे में है। तो ये जो आचार्यस है, श्रीला वृंदावन दास ठाकुर और कृष्णराज कविराज गोस्वामी महाराज, ये सब आचार्यस कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि ये नित्य सिद्धास थे, ये भगवान के ही पार्षद थे, जो हिडन अवतार में भगवान के साथ उनके अनुयायी बन के आए, और उन्होंने ये गुप्त ग्रंथ हमारे लिए निकाला। इतने सुंदर किताब है, ये पढ़ते ही कोई भी इंसान आकलन लगा सकता है कि प्रेम, भगवत प्रेम क्या होता है, और ये भौतिक जो प्रेम है, जो काम है, लस्ट है, ये कुछ भी नहीं है, ये तुच्छ है। भगवान का जो प्रेम है, ये ही असली प्रेम है। तो ये जो भक्त जब चैतन्य चरितामृता और चैतन्य भागवत पढ़ता है, तो ये उसका आस्वादन करता है। बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं। तो श्रीला वृंदावन दास ठाकुर जो थे, वो नारायणी देवी जो माताजी हैं, उनके पुत्र थे। अब नारायणी देवी माताजी जो थी, वो कौन थी? भांजी थी श्रीवास पंडित की। श्रीवास पंडित वही है जो पंच तत्व, चैतन्य महाप्रभु के जो पंच तत्व है, उसमें जो स्वयं नारद मुनि है, वो है श्रीवास पंडित होके आए चैतन्य लीला में। तो उनकी भांजी थी श्री नारायणी देवी। तो उनको बचपन में ही, जब उन्हें बाल्यकाल में पता भी नहीं था कौन क्या है, तभी उन्हें चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद मिला था, बहुत बड़ी कृपा हुई थी उन पे। उनको उन्होंने
मर्सी किया था, उन पे दया किया था। छोटी बच्ची होने पर ही भगवान ने उनको हरिनाम उच्चारण करने के लिए कहा था, और जैसे ही वो हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्र बोली तो भक्ति का सबसे बड़ा उच्च स्तर उस बच्ची ने दिखाया। जब भगवान ने उनसे हरिनाम का चैंटिंग करने के लिए कहा, क्या हुआ, वो जैसे ही हरिनाम लिया उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र बोलने लगी, उनके आँखों से अश्रु निकलने लगे भगवान की प्रीति के लिए। ये कहते हैं जो अष्ट विकार होती है भक्ति के इससे अंग इससे निकलती है, ये उसका ये है एक साइन है रोना भगवान के लिए। जब जीव रोने लगता है तो ये समझना चाहिए भगवान के लिए, ना कि भौतिक चीज़ों के लिए, तभी समझ लेना चाहिए कि वो जीव एडवांस्ड स्टेज पे है भक्ति के, वो सर्वोच्च वो टॉप मोस्ट लेवल पे पहुंच गया। और जब जीव भगवान के साथ है तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि वो किसी को भी कर सकते हैं। इवन भगवान ने झारखंड के जो जंगल थे वहाँ के प्राणियों को भी हरिनाम बोलना सिखा दिया था, ये कथा में आता है, जहाँ पे बताया गया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कि झारखंड के जंगल में शेर और हिरण एक दूसरे के गले में हाथ डालकर हरेक नाम का स्मरण कर रहे थे, गा रहे थे। देखिए कितना बड़ा प्रमाण है कि भगवान ही ये कर सकते हैं। तो ये था इन आचार्यों की महिमा कि इन्होंने हमें ये ऐसे श्रेष्ठ ग्रंथ दिए जिससे ये सब कॉन्फिडेंशियल नॉलेज रिवील होता है, हमें इसका प्रमाण मिलता है। और भगवान कैसे लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के साथ, इसका रुचिकार आस्वादन हम कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय।